अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कदीर लामा इकबालटन लाहौर से। ये गाड़ी मेरे पास आई है कल्टस। ये गाड़ी मेरे पास कल्टस EF है। ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ी है, इसके रिंग डाल रहे हैं, इसका भी हेड खोल रहे हैं हम, सारी फिटिंग फुटिंग खोल रहे हैं, सारा कुछ चीज़ें खोल के सामान खोला हुआ है। मैंने वीडियो अपलोड की आल्टोज RCC की, मैंने बताया कि रिंग आपने कैसे डालना है। इस गाड़ी की मैं आपको बताऊँगा कि आपने रिंग डालने और कैसे इंजन के पैसे कैसे बचाए जाए, इंजन ओवरऑल करने से कैसे बचाए। तो इंजन ओवरऑल पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। मेरे पास दोस्त आ रहे हैं, कोई 50,000 लगा के आ रहा है, कोई कोरे का इंजन करके आया, कोई 90,000 लगा गया, कितने को कितने, मैं हैरान होता हूँ सुन के, यार इतने पैसे आप खर्च करके आते हैं। ये अगर गाड़ी का बोर सही है, पिस्टन ठीक है, रिंग डालें, हेड के वाल डालें आप, इंशाल्लाह गाड़ी का इंजन पूरा ठीक है, क्रैंक ठीक है, तो कोई मसला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं ओवरऑल करने की। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ सारी सूरत हाल। ये इसकी केम उठाओ यार, केम इसकी, ये इसकी केम बढ़िया, ये देखिए इसकी साउंड केम शेम हर चीज़ ठीक है। इसके साउंड भी अच्छा था, बेहतर था। पहले मैंने आपको केम सेटिंग करके भी तरीका वीडियो में डाला हुआ है। अभी हम इसको खोलेंगे, इसकी फिटिंग फुटिंग सारा कुछ वाल करके रिंगशिंग डाल के दिखाते हैं, सारा हेड खोलेंगे, जाओ सेंसर खोलो या फिर हेड खोल दें। इसके हेड के बोल्ट बड़े आराम से बड़े तरीके से खोलें आप, कोई ज़्यादा उल्टा सीधा जोर लगा के बोल्ट स्लिप ना कर दें। ये 12 पहलू बोल्ट हैं, ये 12 के, ये बोल्ट छोटे लगाने का मकसद ये होता है कि बोल्ट को ज़्यादा कसाई ना डालें, क्योंकि इसकी उन्होंने सेटिंग ही ऐसी रखी हुई है, 12 mm का बोल्ट है। आपने कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े राड से इसको टाइट नहीं करना। और दूसरे नंबर पर आप ये देखेंगे उन्होंने बोल्ट का साइज छोटा रखा हुआ है, देखें ये छोटा साइज है बोल्ट का, गोटी भी छोटी डल रही। इसका मकसद ये है कि इसको टाइट, ज़्यादा फजूल टाइट नहीं करना आपने, तो बस इसको टाइट कर दिया तो बस ठीक है, जोर लगाई जाए। ये सिल्वर का ब्लॉक है, सिल्वर का हेड है, इसको नॉर्मल कसाई से आपने टाइट करना है। हेड का फेस अच्छी तरीके से, ज़्यादातर हेड गैस्केट में प्रॉब्लम आने की वजह थी, हेड का फेस ब्लॉक का फेस ख़राब होता है। हेड का फेस तो हो जाता है लेकिन ब्लॉक की तरफ कोई नज़र नहीं करता, जिसकी वजह से मसले आते हैं। ये मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा खोलना खुलना, बाकी मेन चीज़ें मैं बताऊँगा। कस्टमर ने तो देखनी थी, ये मैकेनिक दोस्त ही भाई होते हैं जिन्होंने देखना है, तो बाकी कस्टमर को क्या ज़रूरत है चीज़ें देखने की। ओके, ये ना ये बड़े आराम से आपने निकालनी है, सीधी इस तरफ निकलनी है, इस तरफ ये देखिए आराम से ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, तो स्प्रिंग से मेरी ऐसी बाहर आ जाएगी। ये स्प्रिंग ना टूटेंगे, अगर ख़राब हो तो नए डालें, ये आप वो रखें। बाकी ये वाले हल्की के बोल्ट मैंने खोल लिए सारे, ये वाले पेच लगे हुए थे सारे हल्के में, ये वाले ना इधर सारे इसके अंदर लगे हुए थे पेच। सुराख है ना ये वाले, ये जो रिंग ख़राब होते हैं ये सुराख लाजमी हमने पिस्टन के खोलें, ये वाले सुराख लाजमी खोलें सारे पिस्टनों के सिलेवर के साथ। ये साइडों से आपने ना अच्छी तरह रिंग साफ़ करने हैं। बहुत दोस्त मैकेनिक पता ही करते हैं, और इन चलियों को साफ़ नहीं करते, इसके ऊपर ही रिंग डाल देते हैं, तो कभी भी गाड़ी नहीं चलनी। ये देखिए मैं साफ़ कर रहा हूँ ना सारा, ये देखिए कार्बन इसके अंदर, ये देखिए कार्बन, ये सारा कार्बन निकलेगा तो रिंग अपनी जगह पर बैठेगा सही। इसकी सफाई अच्छे तरीके से आपने करनी है, अगर ने सफाई ना की ना तो फिटिंग भी सही होनी।
तरीकाकार है, ऐसे आपने इसको साफ़ करना है, बिल्कुल बेहतरीन। ये देख रहे हैं जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सुराख है, ये साफ़ करना है, ये वाले। ये देखिए इसके अंदर कार्बन है, रिंग सीज हुए होते हैं तो इसके अंदर कचरा होता है। ये मैं कितना गैप रख रहा हूँ इसका, बिल्कुल हवा पर। जब भी रिंग घर के डाले ना आप, तो इतना गैप रखना है, ज्यादा गैप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी ज्यादा चलेगी, बेहतरीन और मजेदार चलेगी। ये रिंग रगड़ने का मैं तरीका आपको बताया कि रिंग ऐसे रगड़ें और बेहतरीन ऐसे फिटिंग करें। इंशाल्लाह अगर आप जरूरत समझते हैं हेल्पर रख लें तो कोई मसला नहीं, अगर हेल्पर की फिटिंग का पता है आप रख लें, अगर नहीं पता तो ऐसे रिंग रख के जाली लगाएं, जो एल की जाली ना रिंगों की जाली, एल के रिंग की, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ना कभी उसको काटना है आपने, छोटा करने की कोशिश नहीं करनी, वरना गाड़ी धुआं मारना नहीं छोड़ेगी। जो फिटिंग कर रहे हैं अभी पिस्टन पर होते हैं, ये सेटिंग कर रहे हैं। हेल्पर छोटा हो जाए, बड़ा ना हो, इसके ऊपर हेल्पर के ऊपर ना चढ़े, और ऊपर आ गया ना तो रिंग ख़राब हो जाना, रिंग सीज हो जाना। ये थोड़ी सी तार इसकी कम कर लें, जैसे मैंने किए ऐसे आप हेल्पर डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसको नहीं काटना आपने, ना ये इसके ऊपर आए, इधर भी नहीं आनी, इसको काटना नहीं आपने। बाद में कहना छोटी कर दें, बड़े रिंग और घटके डाल दें, छोटी कर दें, इसको नहीं छेड़ना, इस जाली को नहीं छेड़ना। हेड की बांसियाँ फिट करने लगी हैं, कल्टस ये देख रहे हैं, ये दोनों इन वालों पे लगनी इनटेक की, पकड़ रखा मतलब ये दोनों इधर लगनी है, ये दोनों इधर लगनी है, और ये दोनों इधर। ये बांसी उल्टी नहीं लगा देनी आपने, इसके एल के सराह होते हैं ये वाले, ये सराहों को एल ना मिला तो गाड़ी सीज हो जाएगा। ये इनटेक की जो ये डोकर है ना, ये बड़े इजी फिट होता है, ये बड़े आराम से, ये देखिए इधर हाथ देगा ना, ये देखें ये डोकर बड़े आराम से फिट करने लगा, बाद लोग वहीं से फिटिंग नहीं होती। देखिए ये स्प्रिंग है, ये बांसी के ऊपर चला जाएगा, ये बैठ जाए आराम, ये देखो ये आराम से फिटिंग हो गई है, ये इजी है बिल्कुल फिटिंग करना, बिल्कुल इजी है, ये देखो। गैस्केट की फिटिंग करके अब गैस्केट रखने लगे हम, इसको फिटिंग करते हैं, इसका फेस भी और था। सेंटर में बोल्ट मिलाएं, ये सिल्वर का ब्लॉक है, इसको ज़्यादा जोर नहीं लाना, थोड़ा ज़ोर लगाएंगे तो टाइट हो जाएगा, एक बार ही टाइट करना, बार बार टाइट नहीं करना, बार बार टाइट करने से ना
इसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी। ये बोल्ट लॉक बोल्ट है, लॉक सिस्टम है। सर्दियों में तो बोल्ट को आपने वैसे टाइट ही नहीं करना, सर्दी में थोड़ा सा बोल्ट को गर्म पानी में डाल के ना फिर टाइट कर, सर्दी में लोहा सुंगड़ जाता है। ये इंशाल्लाह अभी फिटिंग करते हैं, केम की फिटिंग मुकम्मल करके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, साउंड भी बिल्कुल ठीक है गाड़ी का। रात हो गई है, बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट साउंड। मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, ये हर चीज़ भी दिखा दी है, उसकी फिटिंग वाल्व हर चीज़, रिंग कैसे फिट करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।